हेलो बच्चों, हाय, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। यस, गुड मॉर्निंग माय स्टैंडर्ड 3। यस बॉयज़ एंड गर्ल्स, बोथ ऑफ यू, हाउ आर यू बेटा ऑल, एंड योर पेरेंट्स, योर ग्रैंडफादर पेरेंट्स। यस, अच्छे हो ना सब लोग, मज़े में हो ना, हेल्थ आल्सो गुड। सर गुड नहीं है, एकदम बेस्टम बेस्ट है। वेरी गुड, वेरी गुड बेटा, होना भी चाहिए। आई एम ऑल्सो वेल। तो आप लोग स्टडी में अच्छे से ध्यान देते हो ना? यस, एग्ज़ाम फिनिश हो गई कभी? बाकी है? यस, मुझे नहीं पता भाई। हाँ, मैंने लास्ट लेक्चर में भी आई थिंक पूछा था ना आप लोगों को। ओके, तो आई होप सबकी एग्ज़ाम बहुत अच्छी ही गई होगी और अच्छी जानी भी चाहिए ना बेटा। ऑनलाइन वीडियो में मतलब ये लेक्चर्स में ध्यान देते हो ना, देखो कॉन्सेंट्रेट करना, चाहे कोरोना आवे या कुछ भी आए, हमको कोरे नहीं हो जाना है। कोरोना हमको कोरा करने आए, कोरा मीन्स कि ब्लैंक करने आए ना। नो, हम लोग उसको, यस, हमारे में ब्रेवरी बहुत है, राइट? ओके बेटा, तो मैंने लास्ट लेक्चर में, हाँ, हमने जो थर्ड चैप्टर था ना बेटा, एक्चुअली वो मैंने बोर्ड के ऊपर फोर्थ लिख दिया था ना, चैप्टर फोर लिख दिया था। नो, एक्चुअली वो चैप्टर थ्री है बेटा। हाँ, वो मेरी मिस्टेक हो गई थी ना, और गलती से मिस्टेक हो गई। हाँ, वो बावरी बोलती है ना तारक मेहता का उल्टा चश्मा में, यस, बाघा होता है ना, बाघा की फ्रेंड है ना बावरी, यस, गलती से मिस्टेक हो गई। सो मेरी भी गलती से मिस्टेक हो गई। ओके ओके, तो हमारा ये चैप्टर थ्री है एंड इट्स नेम इज़ गिव एंड टेक। तो मैंने बहुत अच्छी तरह समझा दिया था ना आप लोगों को कैसे कैसे करना है। देखो ऐसे चार्ट था, तो ये कौन है बेटा? ये किट्टू है। कौन है ये? किट्टू, यस। तो चलो आज हम लोग देखते हैं किट्टू के बारे में। तो हमारा थर्ड चैप्टर है गिव एंड टेक। यहाँ पे ध्यान दो, सी कि किट्टू का ये हाउस है और ये इतना बड़ा हाउस है, उसके अंदर टोटल उसके 100 रूम्स है। कितने रूम्स है? और ये 100 रूम्स के अंदर उसको पेंटिंग करनी है। देखो ये बड़ा सा क्या है, ये केव लग रही है कि फिर फार्म है? मुझे तो केव लग रही है, गुफा बोलते हैं ना, गुफा। ओके वॉट एवर, लेकिन हम लोग देखते हैं, ठीक है? चलो स्टार्ट करें बेटा, अंदर ध्यान देना बुक के अंदर। हाँ, यहाँ पे वीडियो में ध्यान दो। चैप्टर थ्री गिव एंड टेक, यानी दो और लो, ठीक है? गुजराती में क्या बोलेंगे? आपो अने लो। ओके, गिव एंड टेक। आई एम किट्टू, दिस इज माई होम, इजंट इट यूज, क्या वो बहुत बड़ा है? बड़ा विशाल रूम है, बड़ा सा है। हमारे लिए तो छोटा ही है, राइट? उसके लिए भले बड़ा होगा, हमारे लिए तो बहुत छोटा है। इट हैज़ 100 रूम्स, क्या बात है, उसके 100 रूम्स है। देखो वहाँ 1 से लेकर 100 तक 100 रूम्स है। हेल्प मी पेंटिंग सम ऑफ द रूम्स, उसको पेंटिंग करने की उसकी हेल्प करनी है। तो ये मैंने आप लोगों को लास्ट लेक्चर में समझाया था ना कैसे कैसे करना है। देखो आज हम लोग फिर से वो वन टाइप ऑफ रिवाइज हो जाएगा, ठीक है? आई स्टार्ट फ्रॉम रूम टू, ये रहा रूम नंबर टू। आई एड 10 to 2 टू रीच रूम 12, मैं इसके अंदर ऐड करता हूँ, 10 ऐड करता हूँ, कहाँ पे जाने के लिए? 12 एंड पेंट, और 12 को उसने पेंट कर, देखो येलो कलर को उसने पेंट कर दिया। टू ऐड 10 to 2, टेन, यस, 10 to 2 ऐड करने के लिए वी कैन गो ऑल द वे टू द राइट टू 10, यानी हम लोग को 2 के अंदर 10 ऐड करना हो ना तो हम लोग राइट साइड जाएंगे, ठीक है? राइट क्या मतलब, कितना करेंगे? 10 ऐड करना है इसके अंदर, तो 10 इसके अंदर ऐड करेंगे ना, तो क्या होगा? देन अप टू 11 एड 1 स्टेप राइट 12, पहले 10 स्टेप, चलो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हो गया, देन 9 एंड 10। दिस इज़ वन वे टू गो फ्रॉम 2 to 10, ये वन वे है। वन वे यानी सिंपल, ये वन थिंग है कि यहाँ से यहाँ तक जाओगे, इतना स्टेप चलोगे तो 12 मिल जाएगा। तो क्या इज देयर ए शॉर्टकट, क्या इसकी कोई शॉर्टकट है? याद करो मैंने लास्ट लेक्चर में आप लोगों को बताया था ना, शॉर्टकट डायरेक्ट जंप करना है। 10, हमको पता है ये सारे 10 स्टेप्स है। देखो 4 से 14 यानी 10 हुआ, 14 से 24 यानी 10 स्टेप्स हुआ। सेम मानो 57 से 67 तो 10 स्टेप्स हुआ। मानो 73 से 83, 83 से 93, तो ये सारे के बीच में कितना? 10 स्टेप्स है। यहाँ से 10, यहाँ से ये 10, यहाँ से ये 10, यहाँ से ये 10, यहाँ से ये 10, यहाँ से सबके बीच में 10 है। तो क्या कोई शॉर्टकट है? ऑफकोर्स, फॉलो मी, वी कैन जंप अप वन रो। ये वन रो, ये सेकेंड रो, ये थर्ड रो, और ये कॉलम हुआ बेटा, 1 column 2 column 3 column, राइट? ओके, तो अ जंप 2 to 12 इज लाइक टेकिंग 10, कितने स्टेप्स हो गए? 10 स्टेप्स। तो इस यहाँ पे आंसर लिख दो, 10 स्टेप्स, यहाँ से यहाँ पे करेंगे ना, 10 स्टेप्स हो गए ना। ओके, नेक्स्ट पेज पे देखते बेटा। नाउ सी, नाउ ट्राई वन जंप अप फ्रॉम 14, तो 4 से 14, 14 से एक और जंप करेंगे, 14 से एक और जंप करेंगे तो कितना मिलेगा? 24। देखो बताया यहाँ पे 14 से, हमको पता ही है ये, तो मैंने ऑलरेडी आपको सिखा दिया है। तो 14 के अंदर 10 हमने डाल दिया तो कितना हो गया? 24। कलर दिस रूम,
तो 24 को हमको कलर करना है, 24 को हम लोग को इसके अंदर कलर करना है। कहाँ है 24, ये रहा। आप लोग की इच्छा ऐसा कलर करना, लेकिन यहाँ पे ब्लैक मलर कलर मत कर देना, ब्लैक भी मत करना और डार्क ब्लू भी मत करना, नहीं तो ये पूरा ये जो नंबर है ना हाइड हो जाएगा, छिप जाएगा। आप लोग एकदम लाइट पिंक करो, येलो करो, फिर लाइट ग्रीन कलर होता है लाइट ग्रीन वो कर सकते हो, राइट। ऐसे ऐसे कलर्स करना, ऑरेंज कलर कर सकते हो, ओके ऐसे कलर करना कि ये नंबर्स पीछे का दिखे, ठीक है। तो अभी 24 को आपको कलर करना है, ओके। नाउ अगेन क्या लिखा है, हाउ विल आई गो फ्रॉम 22 to 41, तो जंप फ्रॉम 22 to 42, ये तो हमने देखा था ना, याद है ना आप लोगों को, लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था। तो 22 to 42 जाना है ना, तो हमको बेटा 22 टू उसके 20 स्टेप्स डालेंगे तो 42 होगा, लेकिन हमको तो कितना करना है बेटा, 41 करना है। तो पहले 20 स्टेप्स चलो, देखो यहाँ से बताता हूँ, ये रहा 22 से 42 चलो, 22 टू 10 स्टेप्स और 10 स्टेप्स, और हमको तो 41 स्टेप्स करना है, तो ये तो टोटल, यस सॉरी 42 डालना है, सॉरी 41 ऐड करना है ना, तो हमने यस 22 to 41 कैसे करेंगे, यानी सॉरी बेटा ऐड नहीं करना है, हमको 41 के स्टेप्स तक जाना है। तो 22 से 32 और 32 से 42, फिर एक स्टेप माइनस कर दो, ये हमने ऐड किया और एक स्टेप माइनस कर दिया, देखो यहाँ पे लिखा है 20 से 20 स्टेप्स चलेंगे तो 42 हो जाएगा, और एक स्टेप वापस कर लो यानी माइनस कर दो, तो कितना मिलेगा हमको 41, ओके। हाउ मेनी स्टेप्स डीड आई गो इन ऑल, हमने टोटल कितने स्टेप्स चले बेटा इसके अंदर, टोटल देखो पहले ये 10 स्टेप्स और ये 10, टोटल हो गए 20 स्टेप्स, 20 के बाद और एक स्टेप चले, तो टोटल हमने कितना स्टेप्स यहाँ पे चला है, 21 स्टेप्स, ओके। यू कुड ऑल्सो गो दिस वे, आप लोग इस तरह से भी जा सकते हो, कैसे, तो एक स्टेप पहले यहाँ पे आ जाओ, सेम थिंग है, 22 से 41 तक जाना है हमको, स्टेप्स नहीं, 22 से 41 तक जाना है, तो हम लोग 22 से पहले 21 आ जाओ, एक स्टेप आ गए, एक स्टेप आ गए पीछे, अब 10 स्टेप्स करो, 10 स्टेप्स पे 31 और 10 स्टेप्स पे 41 मिल गया, तो टोटल 41 स्टेप्स पर हम लोग आ गए, ओके। चलो फाइंड माई फूड, सम क्वेश्चन है यहाँ पे, ट्राई दीज ऑन किट्टूज होम, हे आई हैव समथिंग मोर इंटरेस्टिंग फॉर यू, मा टोल्ड मी देर आर स्वीट्स टू एट इन सम रूम्स, उनकी मम्मी ने बोला कि कुछ स्वीट्स रखी, किट्टू को बोला है, हेल्प मी फाइंड दैट रूम, द आंसर्स फ्रॉम द नेक्स्ट पेज विल हेल्प यू फाइंड दैट रूम, मार्क देम इन माई होम, तो यहाँ पे ये है ना, ये नेक्स्ट पेज पे दिया है, ओके okay, देखो कुछ आंसर, कुछ स्वीट्स रखी है ना, ओके okay, ये रूम के अंदर कौन कौन से रूम में स्वीट्स रखी है, तो यहाँ से पता चलेगा। सबसे पहले बोला गया है 10 less than 34, अब देखो लेस देन बेटा है, लेस देन तो लेस देन का मतलब होता है हम लोग को उतने स्टेप्स वापस आने हैं, कहाँ से 34 में से 10 स्टेप्स, देखो 34 से 10 स्टेप्स, वेर इज 34, कहाँ गया 34, कहाँ गया, ये रहा 34, कितना बोला है लेस देन 10 स्टेप्स ना, तो यहाँ से ऊपर जाएंगे तो प्लस हो जाएगा, तो यहाँ से नीचे आओ 10 स्टेप्स, तो कितना मिला हमको 24, तो आवर आंसर इज 24, गॉट इट ऑल ऑफ यू। अब ये तो बहुत सिंपली दिया है, 53 में से 20 माइनस करो, देखो ये रहा 53 है ना, 53 समझ में आ रहा है बेटा, सी 53 में से 20, तो 53 में से माइनस बोला है तो नीचे आना है, ऐड करने के लिए ऊपर जाएंगे, तो 53 में से ये 10 स्टेप्स हो गया और 10 स्टेप्स हो गया, हो गए 20 स्टेप्स, क्या मिला हमको 33, देन राइट डाउन हियर 33, 11 मोर देन 31, 11 लेस देन हो तो माइनस करते थे ना, अब 11 मोर देन 31, 11 के अंदर 31 को हम लोग को ऐड करना है, क्या करना है बेटा ऐड करना है, सो क्या करेंगे 11 के अंदर 31 डाल दो, ये रहा 11, 11 के अंदर कितना डालना है बेटा 31 स्टेप्स, तो कैसे करेंगे 31 स्टेप्स, देखो ये हो गया पहले 10 स्टेप्स हो गया और 10 स्टेप्स हो गया, समझ में आ रहा है, और 10 स्टेप्स हो गया, 30 स्टेप्स हो गए, 10 20 30, हमको तो 30 स्टेप्स नहीं 31 स्टेप्स चलना है, तो एक स्टेप्स और आगे बढ़ो, कितना मिला 42, कितना मिला बेटा 42, समझ में आया मैंने क्या किया, ओके 42, इसको आप लोगों को चेक करना है ये हमारा आंसर सही है कि गलत है, यस करेक्ट है कि रॉन्ग है, तो देखो 10 लेस देन 34 बोला है ना, तो देखो यहाँ पे मैं रफली कर रहा हूँ 34 में से 10 माइनस करो, सब्ट्रैक्शन आता है ना आप लोगों को, 4 का 4 ही रहेगा, 33 में से बन जाएगा 2, आ गया 24, गॉट इट ऑल ऑफ यू।
ये तो हमको पता ही है। चलो 11 मोर देन 31, तो ये हो गया 11, उस पर 31 ऐड करो, ये हो गया 31, 1 एंड 1 2, 1 एंड 3 4, हो गया 42 आ गया। तो बेटा ये क्या है पता है आप लोगों, इससे वन टाइप ऑफ चार्ट 1 to 100 के तक के नंबर्स है और ये आप लोगों को ईजीली आएगा। इसमें आप लोगों को ऐड करना पड़ेगा, काउंट करने का फिंगर में, ऐसे फिंगर से काउंट करना पड़ेगा। ये 1 to 100 के स्टेप्स हो ना, ये आपके माइंड के अंदर फिट हो ना ये वाला, तो आप लोग इजीली कर पाओगे, एडिशन कर पाओगे। क्या कर पाओगे? एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन बोथ कर पाओगे। ओके चलो हम लोग नेक्स्ट देखते बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 11 लेस देन 66, तो लेस देन को हम लोग क्या बोलते हैं, माइनस। 11 लेस देन 66 दैट मींस 66 है ना, वहाँ से 11 को माइनस करो, ऐसे 66 माइनस 11। तो देखो बेटा ये, हाँ इसका आंसर हम लोग को पता है लेकिन हम लोग इसके थ्रू करते हैं। चलो 66 कहाँ है, ये रहा, कितने स्टेप्स बेटा, 11 स्टेप्स बोला है ना, 11 स्टेप्स। तो पहले नीचे आओ 10 स्टेप्स, यहाँ से ऐसे मूव करके आ गए 56। अब देखो ऐड करना होता ना ऐड, तो हम लोग अप नंबर जाते, अप नंबर यानी 57 58, लेकिन हमको तो माइनस करना है, तो हम लोग यस अप नहीं जाएंगे, डाउन नंबर जाएंगे। 56 से डाउन कौन है, 55, उससे डाउन 54। तो हम लोगों को 66 माइनस 11 बोला है, लेस देन, तो ये रहा 66, उससे 10 स्टेप्स और एक वन स्टेप, तो और वन स्टेप यहाँ पे आ जाओ, तो क्या मिला हम लोगों को, 55। सो फाइनली अवर आंसर इज 55। चलो 62 एंड 13, 62 में 13 डालना है, ऐड करना है, वेरी 62, ये रहा 62, ऐड करना है ना, दैट मीन्स ऊपर जाएंगे फॉरवर्ड स्टेप्स, कितना स्टेप्स है बेटा 13, देखो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 13 स्टेप्स। ओके तो पहले 10 स्टेप, चलो 62 के अंदर 10 स्टेप्स डाल देंगे तो 72 हो गया, यहाँ पे 10 स्टेप्स डाला, और 3 स्टेप्स डाल लें, और 3 स्टेप्स, 1 2 3, कितना मिला हमको 75, कितना मिला बेटा 75, समझ में आ रहा है। देखो एडिशन करके देखो तो फिर देखो 2 एंड 3 5 6 एंड 1 7। अच्छा अब ये सोचोगे ना आप लोग कि सर आप बोल रहे हो कि ये चार्ट बहुत ईजी है, तो क्या हम लोग को एग्जाम में ऐसा चार्ट मिलेगा? नो, एग्जाम में चार्ट नहीं मिलेगा, लेकिन बेटा आपके माइंड के अंदर एक बात फिट हो जानी चाहिए ना कि मानो कि 12 दिया है तो 12 के अंदर 10 स्टेप्स चलेंगे तो उसके जैसा ही होगा। पीछे देखो, पीछे 1 के प्लेस में 2 है ना, तो उसके अंदर 10 स्टेप डालेंगे तो आगे जाना है, तो पीछे भी 2 ही आएगा। 12 के अंदर 10 डालेंगे तो 22, फिर और 10 डालेंगे तो 32। अब मानो किसी नंबर के अंदर हम लोगों को 13 स्टेप्स डालने हैं, 13 स्टेप्स, 12 के अंदर 13 स्टेप्स डालने हो तो 12 के अंदर पहले 10 स्टेप्स डालेंगे तो 22 हो जाएगा, 13 स्टेप्स डालने ना तो 10 स्टेप्स तो हमने डाल दिए और 3 स्टेप्स, तो फिर हम लोग डायरेक्ट काउंट करो 23 24 25, हाँ सर 25 होता है, इजीली बोल पाओगे। ओके 25 ऐसे बेटा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 23 लेस देन 89, यस इसका आंसर मुझे कौन देगा? यस 23 लेस देन मीन्स यस माइनस, वेरी गुड। और जब मोर देन बोला गया हो तो बेटा ये रहा मोर देन वाला, मोर देन बोला हो तो ऐड करना है। ओके तो लेस देन 23 से 89, तो ऐसे नहीं करेंगे, 23 कहाँ है, ये रहा 23 से 89, तो सर 89 यानी टोटल 80 स्टेप्स, फिर 9 स्टेप्स, अच्छा ऐसा, ओके 23 फिर 80 स्टेप्स, तो 10, 20, 30 स्टेप, 40 स्टेप, 50, 60, 70, 80, ऐसे नहीं बेटा, इट इज़ अ रॉन्ग मेथड। जब भी लेस देन बोलाओ ना तो आगे वाले नंबर के स्टेप्स चलने हैं पीछे वाले नंबर से, पीछे वाले नंबर से इतने स्टेप्स बैकवर्ड आना है, पीछे आना है। और जब मोर देन कहा गया हो ना, मोर देन, तो आगे वाले नंबर से चलना है, इसमें पीछे वाले नंबर से चलना है, और मोर देन में आगे वाले नंबर से स्टेप्स चलना है, कितने स्टेप्स, 31 स्टेप्स, इसमें पीछे वाले नंबर से चलना है, कितने स्टेप्स, आगे वाले स्टेप्स तक, आगे वाले नंबर तक। ओके चलो 89 है, पहले 89 फाइंड आउट करो, वेर इज 89, वेर आर यू, यस वो मेरा रूम है, चलो खाली करो 89, किट्टू बोलो इसको 89 रूम नंबर को, दैट इज़ माई रूम, वेर इज 89, कहाँ यार यार ढूंढो ना, हाँ ये रहा, मिल गया। ओके कितने स्टेप्स बोला बेटा, देखो यहाँ पे 23, चलो 23 मीन्स पहले 20 स्टेप्स और 3 स्टेप्स,
पहले 20 स्टेप्स और फिर 3 स्टेप्स, तो पहले 20 स्टेप्स लेस करना है ना, नीचे आना है, 10 स्टेप्स 20 स्टेप्स, हो गया 20 और 3 स्टेप्स चलना है ना। चलो आगे चलूँ, आगे अप की डाउन, डाउन 1 2 3, कितना मिला बेटा, कितना मिला डाउन, देखो यहाँ से 10 स्टेप्स और यहाँ से 10 स्टेप्स, टोटल हो गए 20 स्टेप्स और 3 स्टेप्स, टोटल 23 है ना, टोटल 23 है ना, और 20 स्टेप्स हो गया मेरा 69 तक, और 3 स्टेप्स 1 2 3, क्या मिला मुझे 66। सो आवर आंसर इज 66। चलो चेक करो सही है कि रहोगे, मतलब करेक्ट है कि नहीं। चलो 9 में से 3 निकालो, 6 बचेगा राइट, 8 में से 2 माइनस करो, गॉट इट, 66 आ गया ना, अंडरस्टूड ऑल ऑफ यू, ओके। चलो आप फटाफट कर दे, अब पता चल गया हमको 10 and 40 मोर देन, 10 के अंदर 40 डालना है फटाफट, 10 का है 40 स्टेप्स, बहुत ईजी है, ये रहा 10, 40 स्टेप्स, 10, 20, 30, 40, कितना मिला 50, तो यहाँ पे लिख दो 50, 9 एडेड टू 28, 9 के अंदर कितना डालना है 28, देखो 9 का है 9, वेर इज 9, 9 के अंदर 28 स्टेप्स, तो पहले 20 स्टेप्स डालो और फिर 8 स्टेप्स डाल दो, ऐसे भी कर सकते हैं ना, और ऐसा नहीं करना है ना तो क्या करोगे बताए, पहले 30 स्टेप्स डालो फिर उसमें से 2 स्टेप्स माइनस कर दो तो भी 28 हो जाएगा, ठीक है, आपको जो इजी लग रहा है, तो हम लोग यही करते हैं, 9 के अंदर 28 स्टेप्स करना है ना, ओके। सो वी, यस यस वी कैन स्टार्ट फ्रॉम ऑन 9th नंबर राइट, 9 से हम लोग स्टार्ट करेंगे अप टू 28 स्टेप्स, ओके। सो 9 स्टेप्स ये 9th नंबर का ये रहा, 28 स्टेप्स चलो, तो पहले 20 स्टेप्स, 9 से 10 स्टेप्स, 19 और 10, 29 हो गया, मिल गया 29, और 8 स्टेप्स चलना है, ऐड करना है, और 8 स्टेप्स, 1 के बाद ये 2 नहीं आएगा, 1 के बाद यहाँ पे आएगा 2 3 4 5 6 7 8, कितना मिला बेटा 37, कितना मिला 37। द सम ऑफ 9 and 44, द सम ऑफ 9 and 44, 44 दैट मीन्स पहले 40 स्टेप्स और फिर 4 स्टेप्स, पहले 40 स्टेप्स और फिर दूसरा और 4 स्टेप्स, टोटल हो जाएंगे 44 स्टेप्स, ओके। 9 से स्टार्ट करना है, ये रहा 9 से पहले 40 स्टेप्स चलो, 10 स्टेप्स 20 30 40 40 हो गया और 4 स्टेप्स, 40 के बाद 41 42 43 44 44 स्टेप्स हो गया, तो कितना मिला हमको 53। रिड्यूसिंग 98 बाई 34, रिड्यूस करना है यानी कम करना है, कितने में से 98 से 34, तो 34 स्टेप्स माइनस करने हैं, कहाँ से 98 में से, वेर इज़ 98, उसमें से 34 स्टेप्स माइनस करो, तो पहले 30 स्टेप्स और फिर 4 स्टेप्स, पहले 30 स्टेप्स और फिर 4 स्टेप्स, तो 98 ये रहा, चलो 30 स्टेप्स चलो रिड्यूस करना यानी नीचे आना है, रिड्यूस बोलो, लेस देन बोलो, माइनस बोलो, ओके, ऑल वर्ड्स आर सिमिलर बेटा, लेस देन भी बोल सकते हैं, माइनस भी बोल सकते हैं, रिड्यूस भी बोल सकते हैं, ओके। सो 34 स्टेप्स है ना, ओके अब दिख रहा है 34, चलो 98 में से, तो पहले 10 स्टेप्स 20 स्टेप्स 30 स्टेप्स हो गया यहाँ तक, 68 आया, और 4 स्टेप्स क्या करेंगे डाउन ना, माइनस से तो डाउन करेंगे, और 4 स्टेप्स 1 2 3 4, हो गया 4 स्टेप्स, कितना मिला हम लोग को 64, कितना मिला बेटा 64, समझ में आ रहा है, देखो चलो इसको मैं रफली करके बताता हूँ, 98 माइनस 34, आप लोग के चेकिंग के लिए, आप लोग को कंफर्म करने, 8 में से 4 गया 4, 9 में से 3 गया तो 6, गॉट इट ऑल ऑफ यू, 64 मिल गया। नाउ 4 and 37 मोर, 4 के अंदर 37 डालना है बेटा, एक काम करें तो हम लोग 4 के अंदर 37 डालना है ना, कि तो 4 के अंदर 37 डाले, इससे अच्छा 37 में हम लोग 4 स्टेप्स डाल देवे, तो समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, गॉट इट, आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सी यू, समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, देखो 4 के अंदर 37 डालना है तो बहुत ज़्यादा हो गया ना, मतलब इतने सारे स्टेप्स चलना है, तो क्या करें हम लोग, एक काम करते हैं, इसके अंदर ये ऐड करो या फिर इसके अंदर ऐड करो, कोई फ़र्क पड़ेगा नो, तो देखो अब ये मैं दूसरी मेथड आप लोगों को सिखा रहा हूँ, यहाँ पे भी हम लोग ऐसा कर सकते थे, देखो हाँ लेकिन ये है ना बेटा, यस ये लेस देन में नहीं होगा, खाली एडिशन में होता है, मोर देन में, देखो 10 के अंदर 40 स्टेप्स डालना था ना, 10 के अंदर 40 स्टेप्स डाला हमने, ये रहा 10 के अंदर 40 स्टेप्स, 10 स्टेप्स 20 स्टेप्स 30 स्टेप्स 40 स्टेप्स, तो कितना मिला हमको 50 मिला, कितना मिला 50,
तो इससे अच्छा हम लोग 40 जो है ना 40 उसी के अंदर 10 स्टेप्स डाल देंगे, तो यहाँ से उल्टा करेंगे तो भी 50 मिलेगा। सी पहले 40 को पकड़ो, कहाँ है 40, ये रहा, 10 स्टेप्स डाल दो तो भी 50 आंसर मिलेगा, मिला 50 आंसर, ये रहा। यहाँ पे 4 के अंदर 37 डालो या फिर 37 में 4 डालो, कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं। तो 4 से मैं चलूँगा ना तो 37 स्टेप्स चलना है, देखो ऐसे 37 स्टेप्स, 4 के बाद 10 20 30 30 हो गया और 7, 30 के बाद 31 32 33 34 35 36 36 के बाद यहाँ पे आएगा 37, कितना आंसर मिला 41। ओके, लेकिन कितना सारा स्टेप्स हमको जंप करना पड़ा, इससे अच्छा है 37 में 4 डाल देते। देखो ये रहा 37, उसमें 4 स्टेप्स डाल दो, 1 2 3 एंड 4, तो भी आंसर क्या मिला 41। गॉट इट ऑल ऑफ यू? टेक 35 अवे फ्रॉम 83, टेक यानी लेना, 35 लेना है, किससे लेना है 83 से, फ्रॉम 83, तो यानी क्या हुआ, ले लेंगे तो हमारे पास से चला जाएगा ना, यानी चला गया मीन्स माइनस हो गया, हमारे पास से निकल गया, 83 में से 35 माइनस करना है, यानी कि 35 स्टेप्स, वेर इज 83, 83 कहाँ है 83, वेर इज 83, ये रहा 83, उसमें से कितना स्टेप बेटा 35 स्टेप्स, तो पहले 30 स्टेप्स रिड्यूस करो, टेक करो, ले लो, पहले 10 स्टेप्स फिर 10 स्टेप्स फिर 10 स्टेप्स, 30 स्टेप्स हो गए, 30 हो गए ना, और 5, देखो ऐसे आगे नहीं जाएंगे 5 क्योंकि ये तो बढ़ रहा है ना, 54 50, रिड्यूस, टेक लेना है तो माइनस होगा, लेना है मीन्स माइनस होगा, और 5 स्टेप्स, 1 2 2 हो गया, फिर यहाँ पे नहीं करेंगे ना, यहाँ से करेंगे 52 51, 2 स्टेप्स हो गया, 1 2 फिर 3 4 एंड 5, कितना मिला बेटा 48, आवर आंसर इज 48। समझ में आ रहा है, पता चल रहा है बेटा मैं क्या बोल रहा हूँ? देखो नहीं पता चल रहा है, हम लोग ऐसे करते हैं 83 माइनस 35 माइनस 35, चलो 3 में से 5 जाएगा नहीं जाएगा, तो 3 को हम क्या बना देंगे बेटा, 3 को क्या बना देंगे 13, 8 के पास से एक लेना पड़ेगा तो ये 7 बन जाएगा, अभी 13 में से 5 जाएगा तो 8 और 7 में से 3 गया तो 4, आया 48। गॉट इट ऑल ऑफ यू? ओके चलो ये कैसे करेंगे, इसको डायरेक्टली भी कर सकते हो, इज देयर अ शॉर्टकट टू डू दिस? यस शॉर्टकट है ना, 37 के अंदर 9 डालना है ना, तो डायरेक्ट ऐसे कर सकते हो 37 प्लस 9, वो अभी चार्ट से करना था, अब ये चार्ट से विदाउट चार्ट करो, 37 में 9 डालना है ना, तो 7 एंड 9 कितना हो गया, ये 16 का 6 कैरी 1 आएगी, 1 एंड 3 4, देन अवर आंसर इज 46। चलो 65 में से 30 निकालना है, किसको आता है 65 में से 30 निकाल लें, माइनस 30, 65 में से 35 का 5, 6 में से 3 गया तो 3, 35, समझ में आ रहा है बेटा, 46 प्लस 21। देखो ऐसे भी कर सकते हो डायरेक्टली इस तरह से, या फिर इसकी हेल्प से भी कर सकते हो, इसकी हेल्प से, लेकिन इसकी हेल्प से हमने बहुत सारा देख लिया, अब इसको हम लोग डायरेक्टली करते हैं। ओके वो भी हमको आना चाहिए, 46 के अंदर 21 डालना है, तो पहले लिखो 46 प्लस 21 20। देखो बेटा डिजिट के नीचे डिजिट आना चाहिए, याद करो मैंने सेकंड चैप्टर में आप लोगों को सिखाया था, 1 का प्लेस के नीचे 1 का प्लेस आना चाहिए, 10 के प्लेस के नीचे 10 का प्लेस आना चाहिए। ओके समझ में आ रहा है, ये दोनों है ना 10 प्लेस वाले नंबर है, देखो ये 1 प्लेस और ये 10, 1 10, और यहाँ पे और एक नंबर होता तो 100 का प्लेस हो जाता ना, तो ऐसा नहीं लिखा, देखो ये 46 लिखा ना, ये 46 फिर प्लस फिर 21, ऐसे नहीं लिख सकते हम लोग ऐसे, तो ये तो रॉन्ग हो गया, ये तो रॉन्ग हो गया ना, तो अब तुम लोग एडिशन करोगे ना, आप लोग क्या करोगे ना, 6 का 6 लिखोगे, फिर 4 एंड 1 5 करोगे, और फिर 2 का 2, तो ऐसा एडिशन करोगे आप लोग, 256 एडिशन कर दोगे, ये तो पूरी रॉन्ग मेथड हो गई। ओके तो रिमेंबर ऑलवेज स्टूडेंट्स, 1 के प्लेस के नीचे 1 का प्लेस और 10 के प्लेस के नीचे 10 का प्लेस। ओके चलो इन दोनों का एडिशन करो, 6 एंड 1 7, 4 एंड 2 6, तो इसका आंसर क्या हो गया बेटा 67। चलो अब 87 में से 30 माइनस करो फटाफट, देखो बहुत सिंपल है, हम लोग ये चार्ट के थ्रू करते हैं, 87 में से 30 लेस करना है ना, पीछे आओ 10 स्टेप्स 30 स्टेप्स हो गए, 10 20 30, क्या मिला 57, सो वी हैव टू राइट हियर 57। ओके चलो 66 में से कितना माइनस करें तो 11 मिलेगा, तो सिंपल बेटा 66 में से हम 11 माइनस कर दो तो हमको पता चल जाएगा 55। 45 के अंदर कितना डालें तो 99 हो जाएगा, 45 में
कितना ऐड करेंगे तो 99 मिलेगा। तो सिंपल है, ये बिग वैल्यू है ना 99, उसमें से 45 को माइनस करो, ऐड नहीं करना है। सर यहाँ पे माइनस है तो आपने माइनस ही किया ना, बेटा ये माइनस था इसलिए मैंने माइनस किया, यहाँ पे ऐड है लेकिन यहाँ पे आप ये थोड़ा दिमाग लगाओ, थोड़ा यहाँ पे थोड़ा और कोई वैल्यू डालनी है तो 99 हो जाएगा। तो 99 में से 45 को माइनस करो। यस देखो 99 में से ये 45 माइनस करोगे ना तो पता चलेगा 99 में से 5 गया 4, 9 में से 4 गया 5, तो यहाँ पे कितना आएगा 54। ओके गॉट इट ऑल ऑफ यू। चलो 36 पे मैं कितना डालूँ तो 9 हो जाएगा 36 में। यस कितना डाल दूँ, सॉरी माई मिस्टेक, यहाँ पे कितना नंबर्स में लिख दूँ कि इन दोनों का एडिशन करने से 9 होगा, अरे सॉरी 36 होगा, बोलो कौन बताएगा। इसके जैसे ही करो, 99 में से 45 माइनस किया ना तो 36 में से 9 माइनस कर दो, 36 में से 9 माइनस कर दो, 9 स्टेप्स। चलो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, वेर इज 36, 36 कहाँ पर है, ये रहा 36, 9 स्टेप्स। तो पहले 10 स्टेप्स आ जाओ, 10 स्टेप्स आ गए, ओके हमको 9 स्टेप चलना था ना। यस तो कौन बताएगा मुझे, एक यहाँ पे और एक ये स्टेप ले लो तो 9 स्टेप्स हो गया। यस बेटा देखो वो लेस में हम लोग पीछे जाते थे लेकिन यहाँ पे 9 स्टेप्स लेने तो फॉरवर्ड करना पड़ेगा। ओके तो 27 आएगा, और ऐसे नहीं पता चल रहा है ना तो डायरेक्टली हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं, 36 माइनस 9, चलो 6 में से 9 जाएगा। यस आता है आप लोगों को सब्ट्रैक्शन, यस कौन बताएगा मुझे 6 में से 9 कैसे निकालेंगे, नहीं निकाल पाएगा ना। तो ये जो 3 है ना, ये 3 के पास से हम लोग एक ले लेंगे, एक 3 के पास से एक लेके इसको दे देंगे, तो ये 3 क्या बन जाएगा, 2 बन जाएगा। ऐसे सब्ट्रैक्शन आता है बेटा, आप लोग सीखे हो ऐसा, चलो अच्छा मैं सिखा देता हूँ ठीक है। अभी ये इस शॉर्टकट देख लो, फिर मैं आप लोग को नेक्स्ट लेक्चर में सिखाता हूँ। इसके पास 2 हो गया और एक इसको दे दिया, इसको दे दिया है, तो अब ये कितना बन गया बेटा 16, और ऐसे नहीं लिख रहे हैं 16, तो 6 को काट के डायरेक्ट ऐसे लिख दो, ये कितना बन गया बेटा आप 16, 16 में से 9 निकालो, 16 में से 9 निकालो, कितना बचेगा फिंगर से करो पहले 16, उसमें से 9 निकाल दो, तो 16 में से कौन बताएगा मुझे क्विकली, यस 7, और ये तो 2 बन गया, 3 नहीं अब 2 है तो ओनली 2, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग 27, ये कर दिया। चलो 40 में कितना डाले कि 76 हो जाए, यस तो 76 में से 40 माइनस करो, 76 में से 40 माइनस करो, 76 माइनस 40, ये 6 और 7 में से 4 गया तो 3, तो यहाँ पे क्या आएगा बेटा 36। सेम यहाँ पर 75 में से 26 निकालना है तो 75 माइनस 26, 5 में से 6 नहीं जाएगा ना, तो क्या करेंगे फिर से, ये 5 है ना, ये 5 क्या बन जाएगा 15 बन जाएगा, लेकिन ये 15 बनेगा कैसे, तो इसके पास से हमने एक ले लिया है तो ये 6 बन जाएगा ना, 15 में से 6 जाएगा तो 9, ये 6 में से 2 गया 4, तो यहाँ पे कितना आएगा बेटा 29। अब 98 है, इसमें कितना डाल देते 98 करना है, कितना यहाँ पे लिख दूँ तो मैं 50 और ये दोनों हो गए 98, तो यहाँ पे हो जाएगा 48। ओके देखो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में ना ये सब्ट्रैक्शन सिखाने वाला हूँ ऐसा वाला। चलो देखो यहाँ पे कितना होगा कि उसमें से 21 माइनस करेंगे तो 35 होगा, तो सिंपल है 35 में से 21 माइनस करो, 21 माइनस करो, 5 में से 1 गया 4, 3 में से 2 गया 1, यहाँ पे कितना होगा, यस और कितना होगा, नो इट इज़ द रॉन्ग मेथड, सॉरी बेटा, नहीं मैं आप लोग के एग्जाम ले रहा हूँ, यहाँ पे माइनस है तो क्या माइनस है, नहीं बेटा इसके अंदर 21 ऐड करना है, तो यहाँ पे 6 होगा और ये 5 होगा, तो यहाँ पे आएगा 56। अच्छा आप लोग कन्फ्यूज हो ना कि सर कब एडिशन करना है, सब्ट्रैक्शन करना है, ओके नो प्रॉब्लम, मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में ये सिखाने वाला हूँ ठीक है, कि कैसे करेंगे सब्ट्रैक्शन और कैसे करेंगे एडिशन। चलो ठीक है, अच्छा ये अब ये देखो 57 में से मैं कितना माइनस कर दूँ तो 20 मिलेगा मुझे, यस 30 राइट, नो नॉट 30, चलो 57 में 30 माइनस करेंगे तो 27 मिलेगा, तो कितना माइनस करना पड़ेगा 37, पता चल रहा है, देखो 7 में से 7 गया 0, 5 में से 3 गया 2, यहाँ पे देखो 6 में से 1 गया 5, 5 में से 2 गया 3, ओके समझ में आ रहा है। तो ओके बेटा आज आप लोग को होमवर्क में क्या करना है पता है, नोटबुक में लिखना है, क्या लिखना है, ये सारा क्वेश्चन, फाइंड माई फूड, ओके ट्राई दिस किट्टूज होम, पहले ये है ना, ये वाला नहीं लिखना है, ओके अभी जो मैंने करवाया ना जस्ट अभी, ये नहीं करना है आप लोगों को, यस पेज नंबर 32 वाला नहीं करना है, ओनली पेज नंबर 30
एंड 31, कहाँ से दिए क्वेश्चन, ए से लेकर एल तक, इतने सारे क्वेश्चन। ये क्वेश्चन के आंसर मैंने लिखवाए, आप लोग देख सकते हो, लेकिन ये आंसर आप लोग खुद करोगे होमवर्क में। सबसे पहले ये ऐसा टेबल बना देना, ऐसा चार्ट बनाना 1 to 100 का, और सर ने जैसे ट्राई किया ना बेटा उसी तरह ये ट्राई करना, ओके, तो आप लोग को अच्छी तरह आएगा। चलो बेटा, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए टाटा बाय, टेक केयर।